यहाँ से आज से तकरीबन अबी लग दावा वरी रिसर्च करा मेन मकसद बहुत दुनिया दुनिया मे वो प्रथ मुल्क मे शाल किताब आम लेकिन तो मगर यह गोडिश किताब ये वो कि अत मे तमिस शख्स कथ आम कर वनान बनाना यानी तमिस कम मुसीबत कम मुसीबत ब्रो कित वनान क्या उस करान पन मजूस करान तमिस बड़ो जुलम सपदान यानी यूत जुलम अत वन ठिठर बोल सी वन सब्जेक्ट ठिठर बोली ठिठर बोली मीनस कि सो वन दागी शाल दारोगा उस दागी शाल दारोगा गो हेड आफ द डिपार्टमेंट आफ कंट्रोल कल्ट्री कंट्रोल आफ शाल तमिक दारोगा तो उस मिल कारखानदार तम सैडिस सैडिस तम ही ये किस्म कि तम ऐसे तिल कतर बहना ये सब ननवर तिल कतरस पे इंसान बेहि अम से थर थर तुम करू पे कौत जुलम अच्छा जुलम ब्या हद कि अमिस पे पे अल्टिमेटली पुन नोट सट अवॉइड करा कि तूत हो जुलम ये अमिश जुलम आज तम कर दुम कथ बड़ बार कथ कि आज तम तस्वुर आमुत कर आव सेंट्रल एशिया पे शाह या सो शाह अहमद सबन या सो बडशाह यह बिल्कुल क्या दपान शाह अहमद सत लद्दाख सो येर तो आव तो बनू अगर ये बच्चे तेवी नवर दिवान सह जवान कारपेंटर सह जवान इंजीनियर सह डाक्टर दिवान तमिस लगान वह पंच वरी कह बन खुद सो आव तो इस कालस कत बन इसलिए मगर अस सी बेस्ड आर्कोलॉजिकल सर्वे आर्कोलॉजिकल एंड लिटरेरी सोर्सन पे बेस्ड कर किताब आर्कोलॉजिकली वोचुत कि ये गोडिश सेटलमेंट बुरजाम यानी कशिर ये शुरुआत तमो कर् कल्चरल जिंदगी हज समी जिंदगी हज तत द्राय तम सचने अड़न हज बनाम जन बिल्कुल अजक स्कूल सलान तुम शायद ये कम पाई कि गुक फैब्रिक दुनिया मन तुझो सोन यानी शाल वूम इट इज इट डजन हैव एनी शटल इट्स वोमन विद स्पूल तवे से थोड़ा कानी शाल बिल्कुल फायदे मिल गोटे गए तमिस होश ये तमिस बे क्या इज बींग एक्सप्लेन यू नौ तमिस बिल्कुल आज इस्तेमाल ग्रे हथ ओर हथ रुपये दिवान ये सू शाल शाल लक्ष बजन कर अच्छा तमिस गॉन्शियस तमिस गह एहसास पहसास क्या सब एहसास बरती लिबरेट इट बी लिबरेटेड फ्रॉम द इनफेरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स नंबर वन एंड ही विल स्टैंड फॉर हिज राइट्स एंड ही विल फाइट फॉर हिज ओन राइट्स एंड क्या ग बोड़ बार बे अत मा सजेशन कर पुन आर्ट हे इम्प्रूव कर बन क्या दिस इज मेजर कॉन्ट्रिब्यूशन जन सानी रेवन्यू सानी इकानमी हज बो तम बोड सबूत यह कि वर्ल्ड सो लोग सो गेम्स अत कतरस मन तथ से शीत सास शाल कर सप्लाई दिखा तम ममन तक बनो लोगो अच्छा तमि सूल त्रहन सासन लुकन ये शाल बापन रोजगार अच्छा इतने कहीं अगर तुम तो याद अतर कर अंबानी कर खानदर पो अम लड़कस तम थो शाल सो लक्ष्मी रुपयस मे आव कर क्या शाल कर तम डिस्ट्रब्यूट अच्छा अत मोमुत यह क्वालिटी कंट्रोल क्वालिटी कित अमिस क्या तमिस ग क्वालिटी गलि अमिस वात अमिस बिचार रोजगार कमान जन बिल्कुल इग्नोर आमु कर तमिस ग बड़े मेजर एहसास अब तरी एहसास तक क्या वन गवर्नेंस शुक्रिया शुक्रिया देखिए पहली बात तो ये है कि ये फर्स्ट बुक है ऑन आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स ऑफ कश्मीर जो किसी कश्मीरी ऑथर नहीं लिखी है ज़्यादातर बाहर के लोगों ने आके लिखा है क्राफ्ट के बारे में ये फर्स्ट टाइम एक लोकल एक्सपर्ट ने हिस्टोरियन ने लिखी है और ये उनको जो इन डेप्थ हिस्ट्री पता है क्राफ्ट की नॉट ओनली क्राफ्ट जो लेकिन जो शॉल मेकर की हिस्ट्री शॉल बफ्स जिनको बोलते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड कि उनकी हिस्ट्री क्या थी और
जो पश्मीना है, बाकी क्राफ्ट तो हम कहते हैं बाहर से आए, बाहर का इन्फ्लुएंस, पश्मीना एकदम इंडिजिनस क्राफ्ट है कश्मीर का. और जो शॉल मेकर्स हैं उन्होंने ही बहुत हिस्ट्री है, हिस्ट्री के चैप्टर्स हैं जहाँ उनका इन्फ्लुएंस रहा है. बिल्कुल. और उनकी वजह से बहुत चेंजेस आई हैं सोसाइटी में, बट अनफॉर्चुनेटली उनका रोल अभी भी वही है एज अ शॉल मेकर. लेकिन उनको जो मिलना चाहिए, जो डिफरेंस एज सच एग्जिस्ट, दैट हमको यहाँ पे वी गॉट अ लॉट ऑफ क्राफ्ट. और यहाँ की क्राफ्ट जो हमें फोटोग्राफ्स मिली हैं, वी हैव रिसोर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो कश्मीर की जो क्राफ्ट है सारे म्यूजियम्स में वर्ल्ड ओवर डिस्प्ले होती है, और वहाँ से हमको सोर्स करनी पड़ी. एंड लोकली हमें बहुत मुश्किल से मिली एक्चुअली, जो बहुत पुरानी पुरानी शॉल्स की हिस्ट्री और फोटोग्राफ्स. सो इट टुक अस अ लॉट ऑफ टाइम, ऑलमोस्ट 1.5 साल लग गया इसमें. नए ऑथर्स के लिए है कि आप हिस्ट्री लिखते हैं, कश्मीर की हिस्ट्री बहुत लोगों ने लिखी है, लेकिन अब प्लीज़ लोगों की हिस्ट्री लिखिए, क्राफ्ट जो आर्टिज़न है उनके पर्सपेक्टिव से हिस्ट्री लिखिए. थैंक यू.